मेंसुरेशन का पार्ट 10, टॉपिक का नाम है फ्रस्टम छिन्नक। इससे पहले तू लोग शंकु पढ़े हो तो ये आकृति देखो शंकु है, ध्यान से देखो तो है न जी, रख दिए। इसको कहा जाएगा ये उल्टा शंकु है, सीधा शंकु का अर्थ हुआ ऐसे। तो शंकु का एक भाग वृत्ताकार होता है, ध्यान से देखो छिन्नक को समझने के लिए। शंकु का एक भाग वृत्ताकार भाग है, इस वृत्ताकार भाग के समानांतर कहीं से भी काटो। समानांतर का अर्थ हुआ ये वृत्ताकार भाग है, कैंची से ऐसे काट लो तो कटने वाला मान लो। इसको हम लोग काट लिए यहाँ से, अब देखो बचा हुआ ये भाग शंकु ही रह गया, छोटा हो गया। और शंकु का ये जो भाग काटे हैं, दूसरा पार्ट जो दाएं हाथ में है, उसकी आकृति कैसे हो गई तो ये देखो। इसकी आकृति ये वृत्ताकार भाग तो है ही, और दूसरा भाग जो प्राप्त हुआ है ये दूसरा भाग भी वृत्ताकार भाग ही है। ये वाला भाग ये वृत्ताकार भाग है ही, इधर वाला कटा हुआ भाग भी वृत्ताकार भाग है, ध्यान से देखो तो वृत्ताकार भाग है। तो शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर काटने का अर्थ हुआ ये चित्र में। मान लो कोई शंकु है, ये इसका वृत्ताकार भाग है, इसको तू जैसे इस वृत्ताकार भाग को ऊपर रखो या दाएं रखो या बाएं रखो, कहने का अर्थ इसको हम कई घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे आकृति वैसे ही बनेगी। अगर उल्टा कर दिए, ये वास्तव में अभी वाला सीधा रूप हुआ, ये उल्टा रूप हुआ। अगर वृत्ताकार भाग ऊपर की ओर कर दिए, ऐसा भी हो सकता है इसको ऐसे पोजीशन में रखे तब चित्र बनेगा ऐसे। इसको अगर ऐसे घुमावे तब चित्र बनेगा ऐसे। ये चारों शंकु हो गया, तो चारों का वृत्ताकार भाग किस टाइप का है? अगर ये शंकु है तो ये देखो अभी ऐसे है इस पोजीशन में, है ना, वृत्ताकार भाग नीचे है, इसको ऐसे कर दिए तो ये हो गया, इस पोजीशन में लाए तो ये हुआ नुकीला भाग, ये वृत्ताकार भाग, ये ऐसे घुमा दो तो ऐसे हो गया, वृत्ताकार भाग बाईं ओर, नुकीला भाग दाईं ओर। बात को समझ रहे हो? तो किसी भी शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर यानी समान दूरी पर, समानांतर का मतलब समान अंतर पर, समान दूरी पर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेंगे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो सब जगह से 4 सेंटीमीटर लो नीचे की ओर, तब जो काटेंगे ऊपर में जो ये वृत्ताकार भाग बनेगा काटने के बाद, तो ये बड़ा वृत्त हुआ और ये छोटा वृत्त होगा काट लिए जाने के बाद। बात को समझ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये कटा हुआ भाग था ना जी, तो एक भाग तुमको हो गया, ये वृत्ताकार भाग हो गया,
काट लिए जाने के बाद दूसरा भाग भी छोटा वृत्ताकार भाग हुआ। इसको फिगर के रूप में लाएंगे, मान लो इसी को हम काटेंगे, किस तरह काटेंगे, वृत्ताकार भाग के समानांतर, समानांतर का अर्थ हुआ वृत्ताकार भाग के समानांतर का अर्थ ये ए बी व्यास हो गया, ये वृत्ताकार भाग का यहाँ पर ये केंद्र हो गया। तो ये जो परिधि हुआ, इस परिधि से समान ऊंचाई पर मान लो यहाँ से इसको काटे, तो काट लिए जाने के बाद इसको अलग कर रहे हैं, कहने का ए बी सी डी ई, डी और ई पर इस तरह हम लोग डी ई काटे, इस वृत्ताकार भाग के ये अलग किए जाने पर देखो ऐसे चित्र बनेगा। चित्र नहीं बना दूंगा, ये बड़ा शंकु है। इस वृत्ताकार भाग के समानांतर हम काट लिए तो ये देखो एक अलग से शंकु बन गया, छोटा शंकु, लेकिन बचा हुआ ये बड़ा पार्ट कैसे क्या बन गया, यह कैसी आकृति बनी, तो दिमाग में लो। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, यही आकृति कहलाएगा फ्रस्टम छिन्नक। इसको आप सीधा कर लो, ये कम, ये छोटा वृत्त जो है इसको ऐसे उल्टेंगे तो ये चित्र ऐसे बनेगा। बनेगा, इसको उलट दिए, ये क्या लग रहा है बोलो तो, बाल्टी देखा है कभी तू लोग, लग रहा है ये बाल्टी है पानी भरने वाला। इसके बाद तू लोग जग भी देखा होगा, मग पानी भरने वाला, ये मग भी लग रहा है और ये गिलास भी लग रहा है ना, इसी बात पानी पीने वाला। तो यही हो गया छिन्नक फ्रस्टम। तो अर्थ ये हुआ किसी भी शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर काटा जाए तो हमें उस शंकु का दो हिस्सा प्राप्त होता है, एक छोटा शंकु के रूप में प्राप्त होता है और दूसरा भाग जो बचता है बड़ा वृत्त, बड़ा ये वृत्त वाला, जिसका ये एक पोर्शन बड़ा वृत्त वाला है, काटेंगे तो ये छोटा वृत्त वाला शंकु बचेगा, जिसका मुंह जो है छोटा वृत्त वाला, काट लिए जाने के बाद असली शंकु जो था इसका ये वृत्ताकार भाग ये अलग हो गया, और ऊपर में काटने पर जो ये भाग बना, ये छोटा वृत्ताकार भाग, ये छोटा वृत्ताकार भाग, और इसको उल्टे है ना, तो काट लिए जाने पर
ये पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन हो गया एक शंकु, शंकु को काटने पर एक शंकु प्राप्त होगा, लेकिन दूसरा भाग जो प्राप्त होगा और जिस टाइप की ये आकृति प्राप्त होगी उसी आकृति का नाम है फ्रस्टम यानी छिन्नक। जैसे बाल्टी, जग, ग्लास, प्लास्टिक का बाल्टी बेलन के आकार का तो होता है, ग्लास भी होता है बेलनाकार। जैसे ये ग्लास, ग्लास इस टाइप का भी होता है पानी पीने वाला, बेलनाकार भी होता है, मार्केट में आता है, बहुत आदमी यूज भी करता है। ये ग्लास हो गया, पानी इसमें रखो तो ये कैसा है, बेलनाकार है, सिलेंडर के जैसा है ना। एक ऐसा भी ग्लास आता है नी जी, ऊपर वाला भाग वृत्ताकार जो होता है बड़ा, नीचे वाला वृत्ताकार भाग छोटा होता है। ग्लास तो हमें दो तरह की आकृति में मार्केट में मिलती है, लेकिन छिन्नक किस टाइप की आकृति को कहेंगे, तो किसी भी शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर अगर काटा जाए, वृत्ताकार भाग के समानांतर हम किसी शंकु को काटेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें एक छोटा शंकु प्राप्त होगा और दूसरा भाग जिस टाइप का आकृति प्राप्त होगा उसी आकृति का नाम है छिन्नक। अब इसी में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कटा हुआ भाग ऐसे तू जोड़ दो, तो ये पूरा पूरी शंकु हो गया। इसका अर्थ है यहाँ से हम काटे हैं वृत्ताकार भाग के समानांतर समानांतर, इसीलिए जो ये दूरी मिलाओगे ना सब जगह समान होगा। चित्र में ना तुमको लग रहा है इसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर सब दूरी होगा, ये भी समझा, समानांतर का अर्थ हुआ इसका जो वृत्ताकार भाग है ना, इसका वृत्ताकार भाग है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ऊंचाई होगी। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर अगर उस शंकु को काटा जाए तो ऐसी स्थिति में हमें एक छोटा शंकु प्राप्त होगा और दूसरा भाग जो प्राप्त होगा तो दूसरे भाग को हम लोग छिन्नक कहेंगे, प्रस्तम कहेंगे। समानांतर काटने का अर्थ दरअसल क्या हुआ समझ गया, ये शंकु है तो तिरछा नहीं काटेंगे, ये वृत्ताकार भाग के समानांतर यानी इस ढंग से काटेंगे। मान लो ये इसको सीधा मोड़ करके ऐसे काटोगे तो ये वृत्ताकार भाग से ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वृत्त और नीचे में जो काटने के बाद वृत्त प्राप्त होगा, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के समानांतर होगा, इसका अर्थ ये हुआ समझा। कैसी आकृति है सामान्य जीवन में फ्रस्टम, ये भी समझ गया। बाल्टी है उदाहरण, जग है, मग है, बहुत सारे ग्लास है, खास करके चाय दुकान पर जाओगे तो शीशा का ग्लास जो होता है ना, वो तो डेली तू लोग जब चाय पी अपने घर में भी या दुकान में जाते होगे तो इस टाइप का ग्लास है, चाय वाला जो देता है। इस टाइप के ग्लास में देता है चाय पीने, ये कैसी आकृति है लग रहा है ना, ये एक शंकु का काटा हुआ भाग है, ऐसे इसको मिला दो।
ऐसा लगता है ए बी सी एक शंकु है और शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर हम लोग डी ई काटे हैं। ये डी ई एक्चुअली व्यास हो गया, होगा व्यास। इसको फिर मिटा दो, कटा हुआ भाग में ये वृत्ताकार भाग है, ये व्यास, और इसका जो व्यास लोगे दोनों देखो ये और ये व्यास दोनों समानांतर है, इसीलिए किसी शंकु को वृत्ताकार भाग के समानांतर काटने का अर्थ दोनों जो वृत्ताकार भाग होगा दोनों वृत्ताकार भाग का ये व्यास समानांतर रेखा होगा। समानांतर काटने का अर्थ समझ गया, इसकी परिभाषा लिखाई जाए तो चलो लिखो। तो लिखो इतना।
इसको समझा, परिभाषा को ध्यान से देखो, समझो। देखो ये चैप्टर का लास्ट थ्योरी है, यानी फ्रस्टम तक तुम लोग को पढ़ना है। तो बेलन एक्चुअली है क्या, घन क्या है, घनाभ क्या है, गोला क्या है, ये सिलेंडर बेलन क्या है, ये सब की चर्चा हो गई है। लास्ट है, ध्यान से देखो, इसमें तू लोग अपने से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, छिन्नक का, फ्रस्टम का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तू एक एक पॉइंट को बारीकी ढंग से देखते जाओ। अब ये देखो, एक शंकु हुआ, ये इसको तू ऐसे रखो या ऐसे रखो, ये हो गया शंकु का सीधा रूप, इसको कहेंगे उल्टा रूप। तो सीधा हो या उल्टा, या पृथ्वी के समानांतर ऐसे रखो या जिस दिशा में रखो, इस शंकु का वृत्ताकार भाग ये है ना जी। इस वृत्ताकार भाग के समानांतर कहीं से भी काट सकते हो, जहां से इच्छा हो। मान लो इसको हमने यहां से काटा, वृत्ताकार भाग के समानांतर, तो देखो इसको काट दिए। तो काट दिए जाने के बाद जो पहले शंकु बड़ा था, इसको वृत्ताकार भाग के समानांतर काटे तो दो हिस्सा हमें प्राप्त हुआ। एक हिस्सा शंकु के रूप में ही प्राप्त हुआ, ये शंकु ओरिजिनल शंकु जो बड़ा था उससे छोटा हो गया। तो किसी भी शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर काटे जाने पर हमें एक छोटा शंकु प्राप्त होता है, एवं दूसरा भाग जो प्राप्त होता है, तो दूसरा भाग अब किस टाइप की आकृति हो गया देख लो। तो ये हो गया तुमको एक भाग, इसका देखो वृत्ताकार भाग बड़ा है, दूसरा वृत्ताकार भाग छोटा है। ये देखो तो ये वस्तुतः एक बाल्टी की आकृति नजर आती है, ध्यान से देखो, आती है न जी। यहाँ पेंदी वृत्ताकार भाग को एक वृत्ताकार क्षेत्रफल वृत्ताकार कागज से जोड़ दो तो ये ढक्कन हो गया। अब इसमें तू दूध रख सकते हो, पानी रख सकते हो, और कहेंगे ये बाल्टी है, या मान लो इसको पेंदी जोड़ दो वृत्ताकार कागज से, वृत्ताकार भाग है, तब ये छोटा सा गलास है, इसमें चाय लो पीने लगो तो गलास की भी आकृति होती है। गलास बेलनाकार भी होता है, और बेलनाकार नहीं होने का अर्थ शंकु का कटा हुआ भाग जिसे हम फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक, जग, बाल्टी, ये चाय पीने वाला गलास और बहुत सारा गलास, ये फ्रस्टम छिन्नक का उदाहरण है। इसमें जो हम लोग काटे हैं, तो एक भाग तो शंकु के रूप में प्राप्त हुआ, दूसरा भाग जो प्राप्त हुआ है, दूसरे भाग में देखो एक बड़ा ओरिजिनल शंकु का वृत्ताकार भाग रह गया, और कटा हुआ भाग का ये वृत्ताकार भाग छोटा है ना। एक बड़ा वृत्त वाला इसका एक भाग होता है, तो दूसरा भाग छोटा वृत्ताकार भाग होता है छिन्नक में। वस्तुतः छिन्नक क्या चीज है, इसकी परिभाषा क्या होगी, उदाहरण क्या क्या है, इसको तू लोग समझ गया अच्छी तरह। तो जैसे में हम लोग जैसे इसको मिटा रहे हैं और चित्र बनाते हैं, उस चित्र को बनाओ। Mm-hmm.
एक बार देख लो, सामान्य जीवन में प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बाल्टी, मग या जग, गिलास आदि फ्रस्टम यानी छिन्नक के उदाहरण है, समझे? शंकु एबीसी, एबीसी के वृत्ताकार भाग के समानांतर, तो वृत्ताकार भाग ये बीसी व्यास समानांतर एमएन, दोनों समानांतर है, बीसी समानांतर एमएन, एम एवं एन बिंदु पर काटे जाने पर एम एन बिंदु पर कैंची से काट दो सीधी सरल रेखा के रूप में, अभी जो हाथ से काट करके दिखलाए
काटे जाने पर हमें निम्न दो तरह की आकृति प्राप्त होती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इतनी बात को समझा ना जी। इतना को उतारो, अलग अलग चित्र बनाते हैं। ठीक, इस चित्र को ध्यान से देखो तो ये शंकु ए बी सी है, जिसका वृत्ताकार भाग ये हुआ नीचे वाला और केंद्र ओ हो गया ना। तो इसमें इसको वृत्ताकार भाग के समानांतर एम और एन बिंदु पर हम लोग काटे हैं, यानी बी सी व्यास के समानांतर एम एन हो गया। तो समानांतर काटने पर देखो इस टाइप की आकृति प्राप्त हुई है। ध्यान से देखो, ये हुआ बड़ा शंकु, ये हुआ छोटा शंकु, लेकिन ये नीचे वाला भाग जो है, ये नीचे वाला भाग कहलाएगा तुमको छिन्नक, फ्रस्टम। तो दोनों में कुछ विशेषता है बोलो। ध्यान से देखो तो क्या चीज समान है दोनों में, सोच समझ करके बतलाओ। तो ये वृत्ताकार भाग ये जो है और ये, इसको उठा करके इस पर रख देंगे तो ज्वाइंट होकर के ये बड़ा शंकु बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये छोटा शंकु का ये वृत्ताकार भाग और छिन्नक का एक बड़ा वृत्ताकार भाग और छोटा वृत्ताकार भाग, तो छोटा वृत्ताकार भाग छिन्नक का कटे हुए शंकु के वृत्ताकार भाग के बराबर है। तब न इसको इस पर उठा करके रख देंगे तो सेटिंग हो जाएगा, ये बड़ा शंकु बनेगा। कैसे हुआ तो समझा, कैसे है बराबर। किधर गया जी? इसको ध्यान से देखो, ये वृत्ताकार भाग, ये बड़ा वाला वृत्ताकार भाग हो गया नीचे वाला, ये ऊपर वाला वृत्ताकार भाग ये हो गया, और इसका जो है कटा हुआ भाग का वृत्ताकार भाग, दोनों का क्षेत्रफल मिलाओगे तो इस पर ये सेटिंग कर देंगे तो ये एक पहले वाला शंकु का रूप धारण कर लेता है। तो दोनों का, इसका वृत्ताकार भाग इसका वृत्ताकार भाग बराबर है, हिसाब बनाने में ये काम आएगा। इसको समझा? तो अभी छोटा बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों एक ही जगह से कटिंग है, दोनों ये ज्वाइंट हो गया। तो इसका अर्थ है ये वृत्ताकार भाग, ये परिधि और ये परिधि, यानी ये वृत्त और ये वृत्त समान त्रिज्या वाला वृत्त है या समान व्यास वाला वृत्त है ना। फ्रस्टम समझ गया? अब तुम लोगों को ये फ्रस्टम को हम अलग कर लेते हैं छिन्नक को। तो सिर्फ छिन्नक की आकृति बनाना हो तो कैसे बनाओगे? दो ढंग से बनेगा। देखो, बड़ा वाला भाग को ऊपर कर सकते हो, इसको उलट देंगे, या छोटा वाला वृत्ताकार भाग को ऊपर रहने दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। समझ रही है? नींद आने का लक्षण आ गया है तुम में। पर बिगड़ती है आंख देखकर के नहीं लगता है, लग रहा है अब सोएगी तब सोएगी। ये हो गया छिन्नक की आकृति है ना। ये एक विशेष आकृति भी है, ध्यान में लो तो क्या हो सकता है। बाल्टी जग ये सब तो हुआ ही, कठौती का नाम सुनी है,
कठौती भी मान लो, देखो नीचे मैं स्टोव जला दूं, ये स्टैंड पर रखा हुआ है, इसमें पानी दे दो, पानी खोल गया तो चावल दे दो, भात बन गया, ये वृत्ताकार भाग के इतना बड़ा एक फुट ढक्कन ले लो, ढक दो, भात बनाने वाला बर्तन हो गया जी। सब्जी काट करके रखो, इसमें धो लो, गांव घर में कहीं भी इसको कठौती बोला जाता है, तो छिन्नक ये आकृति भी हुई, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देने पर इसका फिगर कैसे बनेगा, ये भी हो गया छिन्नक। अब तू इसको देखो ध्यान से, इसको हाथ से पकड़ करके उठा करके पोखरा में एक फीट डेढ़ फीट पानी में उठा करके ऐसे छापो, तो जितना वृत्त का एरिया है उतना पानी के नीचे जाएगा सतह पर, तो अचानक यहाँ की मछली घेर ली जाएगी इसके द्वारा, नदी में या छोटे छोटे तालाब में कम पानी में मछली मारने के लिए लकड़ी का इस टाइप का संरचना देखा है कभी, हम देखे थे बचपन में, अब तो इसका उपयोग नहीं होता है, जाल का उपयोग होता है, लेकिन किसी छोटे तालाब को पानी घटा दो दमकल से, पानी जब मान लो एक डेढ़ फीट रह गया तब मछुआरा सब इसका इस्तेमाल करता है, उठाया छापा, तो ये एरिया वृत्ताकार बड़ा एरिया रहता है, तो अचानक जो रखेगा तो ये जो मिट्टी के सतह पर जाएगा ये पानी वाला क्षेत्र इसके भीतर आ गया, अब हाथ दे करके मछली टटोलता है, समझा, तो ये सब आकृति छिन्नक का है, ये भी हो गया छिन्नक, ये भी हो गया छिन्नक, आकृति उतार लो। इसके आगे बतलाते हैं छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और इसका आयतन कितना होता है, ये सब उतार लो, दिमाग में रहेगा। तो छिन्नक का कंसेप्ट आ गया, अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसी में टाइम लगेगा, फिर इसके अगले पार्ट में छिन्नक का आयतन क्या होता है, इसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होगा।